ओके डन दोस्तों, आज का जो मुद्दा है ये हम आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे बात मैं करूंगा। हमारे पास KRS मल्टीप्रो के पास बहुत सारे ब्रांड हैं, उनमें मैंने आज 3 ब्रांड्स को चुना है। इसके बारे में आज डिटेल्स में जानकारी दूंगा। इंस्टा पावर हमारा एक ब्रांड है जिसके बारे में और लेंथ में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और लेंथ में आज जानने की कोशिश करेंगे मिलकर के। साथ में दोस्तों आज हम विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की भी चर्चा करेंगे। पावर, पोटेंसी, परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है इंस्टा पावर। और दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट आप देखें, क्लोव, कंघाई, सतावरी, कॉन्च, मूसली, कोकरू, अश्वगंधा, 7 जड़ी बूटियों से मिलकर के हमारा यह इंस्टा पावर बना है। KRS मल्टीप्रो का बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है यह दोस्तों। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिसको हिंदी में यौन रोग भी बोलते हैं, एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी सेक्स की क्रियाओं से संतुष्टि अनुभव करने से रोकती है। और आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि 43% महिलाएं और 31% पुरुष कुछ हद तक जिंदगी में कभी ना कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से ग्रसित होते हैं। और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 43% महिला, मतलब 100 में 40, और 30 पुरुष 100 में, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से दो चार होते हैं। बहुत प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम आज लेंथ में जानने की कोशिश करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स, कुछ सामान्य समस्याएं जो पुरुष और स्त्री दोनों फेस करते हैं, उन समस्याओं को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सामान्य सेक्स समस्याएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं महिलाओं और पुरुष के? प्री मैच्योर इजेकुलेशन पहली समस्या है। इट मीन्स कि सेक्स करते समय आपका स्पर्म पहले निकल जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्री मैच्योर एजेकुलेशन कहा जाता है, PME इस समस्या का नाम है। दूसरी समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपका सेक्स के टाइम में पेनिस का इरेक्शन ना होना, दिस इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और यह कारण, इसका प्रमुख कारण यह है कि आप आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, चिंता और टेंशन बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। दर्द भरा इंटरकोर्स, बहुत सारी महिलाएं सेक्स के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द महसूस करती हैं, जिसकी वजह से वह कतराती हैं, सेक्स से दूर भागती हैं। इसकी वजह बहुत सारी तमाम हैं, वो भी हम आज जानने की कोशिश करते हैं। चौथी समस्या है आपके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को खुजली जैसी समस्या होती है, और इसका प्रमुख कारण है इन्फेक्शन। जब आप कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को सही तरीके से सफाई नहीं करते तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों में सेक्सुअल ड्राइव की कमी होती है, उन्हें इच्छा ही नहीं होती कि कभी सेक्स की जाए। और महिलाओं में यह समस्या ज्यादा होती है क्योंकि महिलाएं ज्यादा डिप्रेशन, थकान और स्ट्रेस झेलती हैं। इस वजह से महिलाओं को दर्द भी महसूस होता है, सेक्स की इच्छा में भी कमी होती है और वो दूर भागती हैं, कतराती हैं। आगे समस्याओं पे हम और गौर डालते हैं। लुब्रिकेशन की कमी, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वेजाइना से लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी सेक्स में आपको बहुत दिक्कत होती है, और इस समस्या का इलाज तुरंत होना चाहिए। बहुत सारे लोग संतुष्टि का अनुभव ना नहीं करते, और गर्भ का ना होना और देर से होना, यह भी आम समस्या है। पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से इस समस्या से ग्रसित होते हैं। वेजाइनल पेन, जैसे मैंने बताया पीछे भी कि बहुत सारी महिलाओं को वेजाइना में पेन होता है, जिसकी वजह से वो कतराती हैं, दूर भागती हैं, और नाभि के नीचे भी, पेट के पास में भी दर्द होता है सेक्स के समय या सेक्स के बाद। इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता, यह ऐसी समस्या है जो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई आपका बना हुआ है, तो आप एक तरह से नपुंसकता की तरफ बढ़ जाते हैं। आप ज्यादा बॉडी फैटी है, सिगरेट, तंबाकू और एल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, तो भी यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और 10वीं है कि पसंद और नापसंद का ख्याल। दो लोग एक साथ जब होते हैं उनकी पसंद और नापसंद अलग हो सकते हैं, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, सेक्सुअल समस्या यह भी खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों इतनी सारी समस्याएं, 10 समस्याओं का मैंने जिक्र करा आज, और जिंदगी में कभी ना कभी सबको यह समस्या होती है। इसके पीछे का जो कारण है वह प्रमुख कारण है स्ट्रेस, मतलब तनावग्रस्त होना।
और तनाव की स्थिति ज्यादा देर तक बनी रहेगी तो डिप्रेशन भी होता है, और डिप्रेशन के साथ आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। इसके पीछे की जो चीजें हैं, इसके पीछे के जिम्मेदार जो तत्व हैं, वो कुछ दवाइयों का प्रयोग और कुछ हार्मोन का बैलेंस ना होना, ये सारी तमाम वजह हैं। बहुत जिंदगी आप देखो कैसे भागदौड़ वाली हो गई है सबकी, हम सबकी। तो इससे हम सही तरीके से यौन सुख को अनुभव नहीं कर पाते और जिंदगी में कभी ना कभी ये समस्या सबको होती है, लेकिन लोग इस समस्या को छुपाते हैं। फैक्ट है, आप छुपाते हो, आप किसी को बता नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। इसके पीछे कुछ कारण है, कारण सामाजिक है। सामाजिक कारण का मतलब यह बताओ कि अगर आप किसी दोस्त को या मित्र को या घर वालों को बताते हो तो वो आपको एक अलग नजर से, हे वो हीन भावना से देखते हैं आपको। अगर कोई मर्द बताए कि मुझे ये दिक्कत है तो शायद उसकी मर्दानगी पे सवाल होते हैं, उस पे दोस्त मजाक बनाते हैं उसका, तो इस वजह से हम डिस्कस नहीं करते। कुछ कारण धार्मिक भी हैं, जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, और हमारे धर्म में भी कहा गया है कि सेक्स सिर्फ संतान की उत्पत्ति के भावना से करनी चाहिए, तो कुछ इसको धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ करके देखते हैं। इस वजह से भी इस समस्या का जिक्र नहीं करते लोग, स्त्री और पुरुष दोनों कतराते हैं। और तिरस्कार का भय, कुछ तो सोचते हैं कि बहुत मेरा अपमान हो जाएगा, बहुत इंसल्ट हो जाएगा मेरा समाज में, कैसे मैं बोलूं। अगर कोई स्त्री पुरुष को बोले, कोई पत्नी पति को बोले कि ये मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं लोग। अगर पति बोले कि मुझे दिक्कत आ रही है, तो लोग पति के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और सरकार भी आजकल सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। हमारे समाज में जितनी अज्ञानताएं हैं, जितनी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम इसका एजुकेशन दें, लोगों को एजुकेट करें। दोस्तों, बहुत संकोच है, बहुत अज्ञानता है समाज में, और हम वाकई जब समस्या है तो समाधान तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, गुप्त तरीके से ही ढूंढेंगे। तो आप देखो आजकल खानदानी दवा खाना, शफा खाना, वैद, हकीम, और मैं बताता हूँ आपको, नीम हकीम खतरे जान। मैं बहुत बार देखता हूँ सड़क के किनारे वो राजस्थानी कुछ तंबू गाड़ करके रखते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे जानवरों का तेल बेच रहे होते हैं, कैसे कैसे दवाइयां बेच रहे होते हैं। और आप जब जाते हो उनसे मिलने तो अंदर ले जाएंगे तंबू के अंदर, ये है वो है, नाड़ी देखना, नब्ज देखना, ये दिक्कत है, और डराते हैं आपको। और जब आप डरते हो तो फिर पैसे भी दे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि शायद समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, संकोच और अज्ञानता के कारण लोग बिना सोचे समझे देसी और विदेशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। आप दुकान पर जाते हो, केमिस्ट के पास, शर्माते शर्माते आपका दोस्त होता है यार दोस्त, आप उसको बोलते हो यार कोई गोली दे दे, तो वो वैगरह की गोली दे देता है। खाते हो, सुबह हेडेक सी होती है, हाँ परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों की तो जान चली जाती है। तो ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल हम ना करें, हम सही तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, और सही समाधान हम सीखें, और अज्ञान हम ना रहें इस समस्या से। हमें सही जानकारी लेनी चाहिए विशेषज्ञों से। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सेक्स का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो बस एक ऐसी ही चीज है। तो दोस्तों, मैं आज 10 आपको फायदे बताऊंगा। सबसे पहला फायदा है, तनाव से छुटकारा दिलाते हैं। बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस हो, तो आपको इससे छुटकारा मिलेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचोगे कि हम दवाइयां खा करके इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, सेक्स से कैसे इम्यूनिटी बूस्ट होगी? तो बॉडी में बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, और इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कैलोरी की खपत होती है, आप शरीर से ऊर्जा की खपत होगी, कैलोरी बर्न करोगे तो स्वस्थ रहोगे। हार्ट के मसल्स भी इम्प्रूव होते हैं इसमें, आत्मविश्वास भी बढ़ता है इससे, आपके दो लोगों के आपसी संबंध में भी मजबूती आती है, और किसी भी किस्म का बॉडी में पेन है, माइंड में पेन है, वो भी कम होता है। और दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की बीमारी जो पुरुषों में आम होती है, इसका जोखिम भी कम हो जाता है। और पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो आपके मसल्स होते हैं पैरों के पास के, पेट के नीचे के, वो भी बहुत मजबूत होते हैं, और बहुत अच्छी नींद आती है दोस्तों। तो ये है समान स्वास्थ्य लाभ। अब हम देखते हैं कि यौन स्वास्थ्य आयुर्वेद के अनुसार क्या है।
आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जैसे हम एलोपैथ में बोलते हैं कि ये बच्चों का डॉक्टर है, ये पीडियाट्रिक्स है, ये महिलाओं का डॉक्टर है, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कोई हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट है। वैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा के विभिन्न तरीकों के हिसाब से आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा गया, जिसको अष्टांग आयुर्वेद बोलते हैं। और इसमें जो सेक्स संबंधी चिकित्सा होती है, इसको निदान करने का जो विज्ञान है, इसको बोलते हैं बाजीकरण या वृक्ष चिकित्सा। इसमें किसी भी प्रकार से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं किसी को भी, तो उसको दूर करने के तरीके बताते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा में रसायन और बाजीकरण दोनों का एक साथ उपयोग करना बताया गया है, और बहुत सारी चीजें की जाती हैं जिसमें शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत तरीके अपनाए जाते हैं। और बाजीकरण चिकित्सा पद्धति, मतलब आयुर्वेद की जो एक शाखा है बाजीकरण, इसका उद्देश्य यह है कि हमेशा स्वस्थ तरीके से प्रजनन का सफल प्रयास हो। किसी की भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, पारिवारिक जीवन जीने में कोई भी बाधा है, तो उसको हम दूर कर सकें वाजीकरण चिकित्सा के माध्यम से। और वाजीकरण चिकित्सा में क्या होता है, वामन मतलब उत्सर्जन कराया जाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स का उत्सर्जन कराया जाता है। विरेचन मतलब शुद्धि की जाती है। स्वेदन मतलब पसीना निकाला जाता है बॉडी से। और इस प्रकार संपूर्ण शरीर का शोधन किया जाता है। और शोधन थेरेपी के बाद व्यक्ति की प्रकृति, जैसे कफ वात पित्त, ये 3 प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से हर्बो मिनरल्स मतलब हर्बल जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करते हैं। और हम देखेंगे अब आगे की स्लाइड में कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां आयुर्वेद ने आपके लिए रेकमेंड की। दोस्तों, ये जो आपको फसल दिख रही है, ये क्लोव मतलब लौंग, सब जानते हैं लौंग, हम घर में मसाले के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत प्राचीन काल से लौंग का उपयोग हो रहा है घरों में। और दोस्तों, लौंग का सिर्फ मसाले के रूप में ही इस्तेमाल नहीं, हम कभी कभी दांतों में दर्द होता है तो लौंग को चबा लेते हैं, तो पेन किलर के रूप में भी हम लौंग को यूज करते हैं। दोस्तों, लौंग का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है, मतलब सालों भर ये पनपता रहता है, 8 से 12 मीटर की ऊंचाई होती है। और हमने इसके फूल यूज करते हैं, फूल की कलियों में जो रंग होता है शुरुआत का पीला होता है, धीरे धीरे हरे रंग में बदलता है, और जब फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए तो गुलाबी रंग में, हल्के कत्थई रंग में वो बदल जाता है। लौंग खाने से हमारे शरीर में विटामिन बी और कई प्रकार के पोषण मिलते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B4, B6, B9 और विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जैसे भी तत्व होते हैं जो गाजर में पाए जाते हैं, गाजर में भी ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। साथ ही विटामिन के, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई तत्व हमें लौंग से मिलते हैं। लौंग में 30% फाइबर होता है, और लौंग की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, स्वाद बढ़ाने के लिए हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो सामान्य बीमारियां, दांतों का दर्द, सांसों के दुर्गंध, गले में खराश वगैरह को हम दूर करते हैं इससे। लौंग में प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और सोडियम एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और पूरी इंडिया में लौंग की फसल आपको मिलेगी, पूरे इंडिया में, साथ में इंडिया के बाहर मेडागास्कर, जंजीबार, पाकिस्तान, श्रीलंका और पेम्बा आइलैंड में भी ये फसल पाई जाती है। अब लौंग के गुण देखेंगे हम कि क्यों सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर होती है लौंग से। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको चार्ट बता दूं, सेक्सुअल प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे होती है पुरुषों और महिलाओं में। तो इस चार्ट में एक आपको दिख रहा है, आपको एक महिला पुरुष रेड कलर से जो है वो महिलाओं के हार्मोन सिक्रेशन को दिखाया गया है, और जो आपको हल्के से ब्लू कलर में है वो पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्र के साथ कितना से हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहे हैं, और साथ में ऐसे उम्र कैसे बढ़ रही है। आप देखो, ये पुरुष और महिला, जैसे ही आपकी उम्र 0 से 20 मतलब 20 साल की उम्र में आप में 60% प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में हार्मोन का, लेकिन 20 से ये तकरीबन 25 साल की जो उम्र होती है उसमें आपके टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, इनका स्तर बहुत ऊंचा होता है, और 25-30 साल के बाद में इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, और यह स्तर 80 साल तक बिल्कुल कम हो जाता है। वैसे ही महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं में भी जो इनके हार्मोन है सेक्सुअल हार्मोन, इसको एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, और वो पीक पर होता है तकरीबन 35 साल की एज में, 30 से 35 साल की एज में, और तकरीबन यह आप देखो 15-16 साल की उम्र में ये बनना शुरू हो जाता है, और ये पीक पे आते आते 30-35 पे जाता है, फिर धीरे धीरे यह स्तर बिल्कुल कम हो जाता है, और
44-45 की एज में, कुछ का तो 40 और 60 की एज में ये मीनोपॉज की समस्या, मतलब पीरियड का आना बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं बनता बॉडी। तो इस प्रकार से आप देखें, जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन के बनने की रफ्तार घट रही है। आप देखो यहाँ पे कैसे यहाँ से हार्मोन बनना शुरू हुआ और कैसे यह स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और तनाव की वजह से यह स्तर और उम्र से पहले भी गिर जाता है, समान प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह जो लौंग है यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार करता है और मनुष्य के सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस को सही तरीके से करने के लिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल का संतुलन बहुत आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर सही ना हो तो स्पर्म की काउंट भी कम हो जाती है, जिससे मेल इनफर्टिलिटी जैसे पुरुषों का बांझपन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। और लौंग के अर्क की थोड़ी सी खुराक देने से शरीर में Δ5-3-बीटा HSD और 17-बीटा HSD की गतिविधियां बढ़ जाती है। इस प्रकार टेस्टोस्टेरोन का सीरम लेवल काफी बढ़ जाता है, मतलब खून में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। साथ में इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कई तरह के रोग आपके शरीर में नहीं होंगे अगर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। शरीर को वायरस बैक्टीरिया आदि के इन्फेक्शन से भी लॉन्ग बचाता है। और हम आगे देखते हैं इसके फायदे। नर्वस स्टिमुलेशन को बढ़ाता है, दिमाग में जो गतिविधि चलती है, दिमाग का शांत होना, दिमाग का ज्यादा सक्रिय होना, तो इसकी जो एस्टेरॉल्स और फिनॉल की उपस्थिति होती है लॉन्ग में, तो इसकी वजह से यह नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड करता है। जैसे बॉडी में एक्साइटमेंट की कमी है तो यह उसको इम्प्रूव करेगा। साथ में यह प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्या को कम करता है, जो एक रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसको बोलते हैं उसके अंतराल को छोटा कर देता है। इस तरीके से सही इरेक्शन भी होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी यह ठीक करता है। दोस्तों एक और इंग्रेडिएंट आयुर्वेद ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, जिसको कंघई या अतिबला के नाम से जानते हैं। अतिबला, जब मैं बोलूंगा अतिबला, इसका मतलब क्या? अति समथिंग एक्स्ट्रा, बल मतलब ताकत। तो इस पौधे के गुण को बहुत शक्तिशाली माना गया है आयुर्वेद में, और इसको कंघी पौधा के नाम से भी जानते हैं। देखो ये जो आपको यहाँ पे ये फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, ये कंघी जैसे दिखते हैं, जैसे कंघी में धारियां होती हैं वैसे आपको इसमें धारियां दिख रही हैं, तो इसलिए इसको कंघी के नाम से भी बहुत सारे देश के हिस्सों में जानते हैं। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जो 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन कुछ स्थानों पे इसको अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए तो 3 मीटर तक भी बड़ा हो जाता है। और इसके दांत के या कंघी के समान के बीज और फली का चिकित्सा प्रणाली में सैकड़ों सालों से यूज किया जा रहा है, और भारत के तमाम हिस्सों में यह पाया जाता है। विशेषकर अगर कर्नाटक और तमिलनाडु के जो लोग हमारे पास होंगे वहां पर वो सड़क के किनारे भी इसको उगता हुआ देख सकते हैं। और यह भारत के अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसके सभी छाल, बीज, फूल, पत्तियां और जड़ों सबका प्रयोग करते हैं दवाइयों के लिए। और अतिबला के हम प्रभाव को देखते हैं, कैसे यह अतिबला हमारे शरीर को मजबूत बनाता है यह हम देखते हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए इसके बीजों को पकाकर खाते हैं लोग नॉर्मली, जैसे शरीर में काफी ताकत आती है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो डेवलप होते हैं उनको ये मारता है। साथ में इसमें जो फ्लेवोनाइड और फेनोलिक जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। इसलिए आप जितना अतिबला लेंगे उम्र आपकी जल्दी बढ़ेगी नहीं, उम्र को नियंत्रित कर सकते हैं इस तरीके से। और बेसिकली यह मेल के जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान करता है। इंस्टापावर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जैसे जिसको शीघ्रपतन के नाम से भी जाना जाता है, इस समस्या का समाधान करता है। एक और यौगिक है हमारे पास, अगला जो आयुर्वेद के हिसाब से हमने चूज किया है, अगला जड़ी बूटी यह है शतावरी, और संस्कृत में शतावरी का अर्थ है 100 जड़ों वाला पौधा। एक और इसका नाम है कि यह 100 बीमारियों को भी ठीक करता है, इस वजह से इसका नाम है शतावरी। तो दोनों तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। यह पौधा एक रसीला जड़ वाला और बिल्कुल ऐसे गोल आकार का पौधा है। इसमें औषधियों गुण वाली जड़ें जो होती हैं वो हल्की राख के रंग की होती हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स क्या करते हैं? आपके शरीर में मौजूद कार्सिनोजेनिक जो टॉक्सिन्स हैं, कैंसर पैदा करने वाली स्थितियां हैं, उनके भी इलाज करने में ये मदद करते हैं। साथ में इनमें स्टेरॉयडल सेपोनिन्स होते हैं,
जिन्हें शतावरीन, ओलिगोसेक्राइड्स, म्यूसिल, ऑक्सोफ्लेविन, रूटीन, क्वेरसेटिन ऐसे नामों से भी जानते हैं। इसमें गामा लिनोलिनिक एसिड जैसे फैटी एसिड भी होते हैं। तो दोस्तों यह पूरे इंडिया में तो पाया ही जाता है, साथ में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कुछ चाइना में भी पाया जाता है। इसको सहंसपाल, सतावर, सहंसमूली, शतावरी, शतावे, सतमूली, सुतमूली, किलावरी के नाम से भी देश के विभिन्न भागों में हम जानते हैं। शतावरी का क्या बेनिफिट है? प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसका बेनिफिट, और मैं इसको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों में यह सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाने में सहायक है। शतावरी में मौजूद विटामिन और मिनरल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। विटामिन ए की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन हो उसको ठीक करता है शतावरी। दिमाग के स्वास्थ्य को ठीक करता है। इसमें ओमेगा 3, विटामिन B6, राइबोफ्लाविन जैसे यौगिक मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी समस्या में भी सुधार देखा गया है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि सिम्टम्स में तनाव की वजह से भी बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसका निदान है। और एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार विटामिन B6 के सेवन से मस्तिष्क विकास में और प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। विटामिन B6 इसमें मौजूद है। और महिलाओं के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करता है? शतावरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बैलेंस करता है। यह एंडोमेट्रियोसिस, जो महिलाओं के अंडे का बनना, इस समस्या की वजह से जो सूजन होती है, जिसमें से पेट में दर्द होता है, पीरियड के टाइम में देखना महिलाओं के पेट में दर्द होना शुरू होता है क्योंकि अंदर की कोशिकाएं सूज जाती है, तो उसके इलाज में मदद करता है। बॉडी में ब्लड के अंदर हार्मोन के लेवल्स को भी संतुलित करता है। महिला की ओवरी को मजबूत करता है शतावरी, मतलब जो अंडाशय, जो महिला के प्रजनन अंग है उनको मजबूत करता है। और ओवरी से जो ओवम, जो स्त्री वाले अंडे होते हैं उसको ओवम बोलते हैं, उनको भी मजबूत करता है। और किसी भी प्रकार के बाझपन जैसी समस्या का भी इलाज करता है, चिंता को कम करता है और साथ में आपको सेक्स में रुचि भी दिलाता है। ये तो महिलाओं के फायदे हुए। पुरुषों के फायदे देखते हैं कि शतावरी का उपयोग महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके जड़ में स्पर्मेटोजेनिक गुण होते हैं, मतलब स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, या स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाता है साथ में, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बॉडी में देता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। कॉन्च ये अगली जड़ी बूटी है हमारे इंस्टा पावर में, जिसका महत्वपूर्ण उपयोग लोग करते हैं चारा के रूप में और हरी खाद के रूप में भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह ये पाया जाता है, जिसको लोग बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, जिसको कवाच के नाम से, केवंचा, कॉन्च, कवाच के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया के अलावा चाइना, अमेरिका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। और इंडोनेशिया में तो कॉन्च के बीज को डायरेक्ट खाया जाता है, वहां पर बेंगुक के नाम से इसको जानते हैं, और फलियों का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। कॉन्च बीज में 11 से 23% क्रूड प्रोटीन, 35 से 40% क्रूड फाइबर और 20 से 35% क्रूड प्रोटीन होते हैं। और कुछ देशों में तो जैसे जैविक घास, जो खर पतवार के नियंत्रण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इससे चूर्ण का, यह मनुष्य में, पुरुषों में विशेष तौर पे शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाता है और साथ में पार्किंसन, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी काम आता है। अब इसका विस्तृत फायदा मैं आपको बताता हूँ, कैसे यह सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में काम आता है। तो पहला फायदा यह है कि टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है, क्योंकि कॉन्च के बीच में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, और यह प्रोलैक्टिन किसी भी किस्म के प्रजनन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को ठीक करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से शारीरिक रूप से आप स्वस्थ और सबल महसूस करते हैं। गहरी नींद आती है और बढ़ती उम्र का असर कम होता है। जो उम्र के साथ आपके शरीर में बहुत सारी बदलाव जो हो रहे हैं, और डोपामिन रसायन जो कम हो रहा है उसको, डोपामिन की एक्टिविटी को ठीक करता है और न्यूरोकेमिकल्स को ठीक करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आप पूरे जीवन तक शांत और स्वस्थ रहेंगे। आप मसल्स के विकास में भी इसमें बहुत योगदान देता है, या शरीर को एनर्जी देता है, या मूड को बेहतर बनाता है, नर्वस सिस्टम को कूल, आप कूल माइंड से बिहेव करेंगे, दिमाग में खुशी नाइट्रस ऑक्साइड या रिलीज करवाता है बॉडी से, इसलिए आप बहुत खुशनुमा फील करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है, मूसली। मूसली बहुत प्रकार के होते हैं, सफेद मूसली, काली मूसली। तो सफेद मूसली को ज्यादा पोटेंट मानते हैं, ज्यादा ताकतवर मानते हैं। सफेद मूसली एक सालाना पौधा है, मतलब एक साल में एक बार इसकी फसल होती है।
जिसकी ऊंचाई तकरीबन 40 से 50 सेंटीमीटर होती है और जमीन में घुसी इसकी जड़ें, उसमें ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, इस वजह से इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सेपोनिन और सेपोजेनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से या यौवन वर्धक, शक्ति वर्धक और स्पर्म बढ़ाने वाली दवाइयों में यूज किया जाता है। सफेद मुसली की खेती गर्म जलवायु वाले इलाके में होती है, जहां पे बारिश तकरीबन 60 से 115 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, सेपोनिन जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, साथ में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स भी होते हैं। तो इतने प्रोटीन और मिनरल्स की सप्लाई है बॉडी में करता है, और इसको देश के विभिन्न प्रांतों में ढोली मूसली, इंडियन स्पाइडर, किरुआ मूसली, सिदेवली, श्वेत मूसली के नाम से जानते हैं। और इसकी जड़ों को मेनली यूज किया जाता है औषधियों में, और इंडिया के अलावा अफ्रीका में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ मूसली, मूसली के फायदे, क्या प्रभाव देता है ये शरीर को, कैसे सबसे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, मैं आपको यह दिखाऊंगा। सफेद मूसली को हर्बल व्याग्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखोगे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हर्बल व्याग्रा के नाम से सफेद मूसली के पाउडर को ही लोग बेच रहे होते हैं, सिर्फ सफेद मूसली। तो यह टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से सेक्स क्षमता आपकी बढ़ती है। और शीघ्र पतन, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की मैं बात कर रहा था कि स्पर्म का जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ऐसे उपायों में यह काम आता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब पेनिस का सही तरीके से इरेक्ट ना होना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से काफी लोग ग्रसित हैं, अक्सर डायबिटीज या हार्ट की बीमारियों की स्थिति में ऐसी समस्या होती है। तो ऐसे दुष्प्रभाव को ठीक करता है और साथ में आपको एक स्वस्थ सेक्स जीवन जीने में मदद करता है सफेद मूसली। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये फ्लावर और इसकी जड़ें दोनों इसमें दिख रही। आगे देखते हैं नपुंसकता से कैसे बचाओ। नपुंसकता का मतलब है कि आप सेक्स तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब एक सही उम्र के बाद बच्चे भी पैदा ना हो, पुरुष और स्त्री के लाइफ में बहुत तनाव होने लगता है। लोग पूछते हैं भाई शादी के 10 साल हो गए, आगे फैमिली की क्या प्लानिंग है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह के इलाज कराते हैं, तरह तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें भी एक अपमान की भावना आती है। तो दोस्तों स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, स्पर्म की संख्या को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पुरुष की जो नपुंसकता जैसी स्थिति होती है उसमें यह बड़ा फायदेमंद है। कॉन्च के बीज के साथ सफेद मूसली का सेवन नपुंसकता के इलाज में काफी उपयोगी माना जाता है। स्वप्न दोष, जिन लोगों को स्वप्न दोष की समस्या है, इसके पीछे वजह बहुत होती है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है मूसली, क्योंकि स्वप्न दोष के बाद जो कमजोरी होती है तो उसमें सफेद मूसली काफी प्रभावी है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग भी सफेद मूसली को लेते हैं, क्योंकि मसल्स को बिल्ड करते हैं सफेद मूसली को, हम बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट में भी डालते हैं लोग। तो शारीरिक रूप से जितनी भी कमजोरी होती है, आपको खाना पचाने में दिक्कत होती है, खाना लगता नहीं है शरीर में, तो सफेद मूसली आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास, यह है गोखरू। गोखरू का मतलब है कि गाय का खुर। वर्षा ऋतु में जमीन पर फैल कर बढ़ने वाला, ये एक लताएं इसकी जमीन पर फैलती हैं, जिसकी वजह से या ऑलमोस्ट बहुत सारे देश के भागों में पाया जाता है। और गुण इसके अनगिनत हैं, गाय के खुर जैसा दिखता है, आप गाय को जैसे खुर देखे होंगे ना, गाय के पैर वैसा दिखता है इसका फल। तो यह मूत्रवर्धक भी है, मतलब जैसे किडनी प्रॉब्लम में भी गोखरू को काफी देते हैं। गोखरू का रस बड़ा ठंडा और वात रोग में भी काम आता है। इसको बहुत सारी अलग बीमारियों में, जैसे कफ दूर करने वाला, कफ नाशक के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका हम जड़ और फ्रूट फल दोनों इस्तेमाल करते हैं, और यह यूरेशिया, यूरोप और एशिया के भागों में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और आयुर्वेद के जनक इंडिया में भी तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके भी अलग अलग नाम है, गोखरू, गोक्षरा, हाथी चिकर, डेविलस्टोन, गोट हेड, पंक्चर वाइन, स्मॉल कैल्ट्रूस के नाम से जाना जाता है। क्या है गोखरू के फायदे, अब हम देखते हैं कैसे यह एक शरीर को स्वस्थ बनाने में काम आता है। एक प्राकृतिक एनाबोलिक है, मतलब जैसे मांसपेशियों का टूटना जैसी समस्या होती है ना, जैसे मांसपेशियां आपकी बढ़ गई हैं, अगर आप सही तरीके से पोषण नहीं ले रहे तो मांसपेशियां गलती हैं, आपके शरीर को एनर्जी की सप्लाई करती हैं, आपकी हड्डियां गलती हैं, शरीर को एनर्जी की सप्लाई करती हैं। तो ऐसे स्थिति में शरीर को टूटने जैसी समस्या में यह मदद करता है, मांसपेशियों के कनेक्टिविटी में सुधार करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर का ढांचा
बढ़िया आपका बनता है, मतलब कहीं से आप झुके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो गोकरू इसमें बहुत फायदेमंद है। अगला जो फायदा इसका, बाँझपन और यौन विकारों से मुक्ति के लिए तो बहुत अच्छा ये कामोद्दीपक है, मतलब यौन क्रियाओं को ठीक करता है, या सीमेन की मात्रा को बढ़ाता है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके जेनाइटल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है और शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या महिलाओं संबंधी समस्या है, महिलाओं के बाँझपन को पीसीओएस के नाम से जानते हैं या पीसीओडी, ऐसी समस्या को ठीक करता है। साथ में महिलाओं में, जैसे जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी ज्यादा दूध आता है, लैक्टेशन की क्षमता को बढ़ाता है ये। अगला है अश्वगंधा, अगली जड़ी बूटी जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अश्वगंधा कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सही अश्वगंधा की पहचान है वह इसकी जड़ें हैं। इसकी ताजी जड़ों को आप मसलोगे तो उसमें घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम है अश्वगंधा, मतलब घोड़े के पेशाब जैसी गंध। घोड़े को संस्कृत में अश्व बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की ताजी जड़ बड़ी गंध वाली होती है, और वन में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसके अनुपात में खेती के माध्यम से उगाया जाने वाले अश्वगंधा की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। अश्वगंधा के दो प्रकार हैं, छोटी अश्वगंधा, बड़ी अश्वगंधा। छोटी अश्वगंधा का मतलब छोटी झाड़ी होती है, जड़ बड़ी होती है, और राजस्थान के नागौर में यह बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और इसीलिए इसको नागौरी अश्वगंधा का भी हम नाम देते हैं। बड़ी अश्वगंधा जो है, इसकी झाड़ी बड़ी होती है, जड़ें छोटी और पतली होती है, या बाग, बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों में समान रूप से पाई जाती है। दोस्तों, इसको शरीर के विभिन्न बीमारियों को तो दूर करने के लिए यूज करते ही हैं, साथ में हम इसके विभिन्न नाम भी जान लेते हैं। इसको अजगंधा, अमन गोरा, असान, अशगंध, इंडियन जिनसेंग, जैसे जिनसेंग एक बहुत अच्छा तत्व है जो शरीर को मजबूत करता है, इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। तो इंडियन जिनसेंग के नाम से इसको जानते हैं, पॉइजन गुजबेरी, विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, इसकी लीफ, रूट और फ्रूट को हम यूज करते हैं। भारत तो आयुर्वेद के सारी जड़ी बूटियां भारत से ही उत्पन्न हुई है ऑलमोस्ट, तो इंडिया के अलावा ये चाइना और यमन में भी पाया जाता है अश्वगंधा। बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा, फायदे देखो, बहुत चमत्कारी फायदे हैं इसके। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स, जो पट्टिकाणु होते हैं, श्वेत पट्टिकाणु, इनकी मात्रा को बढ़ाता है, साथ में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जो गंभीर समस्याओं के समाधान में लाभकारी है। इसमें भी पुरुष कामोद्दीपक गुण है, मतलब अगर पुरुष अश्वगंधा लेते हैं तो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिससे शरीर में उत्तेजना आती है, और उत्तेजना आती है तो आपके जननांगों में, जो पेनिस में ब्लड का फ्लो है, वो बढ़ेगा, और इससे आपकी यौन इच्छा और संतुष्टि ज्यादा अच्छी होगी, और टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और अमेरिकन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एक जर्नल आती है 2010 में, इस जर्नल के प्रकाशन में यह लिखा गया है क्लियरली कि अश्वगंधा एक सेक्सुअल बीमारी ठीक करने वाला है, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में वृद्धि करता है, और शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। तो दोस्तों, इतने तमाम खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, इस सात प्रकार की जड़ी बूटियों का संयोजन है हमारे इंस्टा पावर में, जिससे किसी भी किस्म की सेक्सुअल डिजीज को, जो महिलाओं से संबंधित हो या पुरुषों से संबंधित हो, एक समान रूप से आप ठीक कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी का फायदा ले सकते हैं। और साथ में आपके पास में इंस्टा पावर के अतिरिक्त तीन और प्रोडक्ट हैं, जो ऐसी ही शरीर को मजबूत करने जैसे समस्या से संबंधित हैं, जैसे केआरएस का रेगेन पावर, यह एक पाउडर है, ये तीनों पाउडर देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत डब्बे हैं, 200 ग्राम के पाउडर। रेगेन पावर में व्हीट ग्रास है, बार्ली ग्रास, मोरिंगा की पत्तियां, अल्फा अल्फा है, स्टीविया है, आंवला है, अर्जुन छाल है, मूसली है। जैसे कुछ इनग्रीडियंट, जैसे मूसली की चर्चा हमने की, ऐसे तत्व तो इसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से यह किसी भी प्रकार की स्टेमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। यह भी आपके उम्र बढ़ने के लक्षणों को रिवर्ट करता है, इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को ठीक करता है, आपकी हार्ट के फंक्शंस को ठीक करता है, क्योंकि इसमें अर्जुन छाल भी है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी दूर आता है। तो पुरुष जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं एक प्रकार से, उनको ये जरूर लेना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली बना, देखो केयरलेस का वुमेन केयर महिलाओं के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्ट है, किसी भी किस्म के पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा, या मेंटल जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस वगैरह, उसको भी ठीक करता है, या और लीकोरिया का भी अच्छा इलाज है,
या वुमेन केयर पाउडर, ये सारे पाउडर आपको आधी चम्मच लेने हैं सुबह खाने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ, और रात में भी हल्के गुनगुने पानी के साथ खाने से पहले लेने हैं। तो जितने भी पर्यटन संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए KRS वुमेन केयर, महिलाओं से हर संबंधित जो समस्या है उसके लिए KRS का वुमेन केयर, क्योंकि इसमें शतावरी भी है। शतावरी अभी हमने पढ़ा, शतावरी के बेनिफिट कैसे महिलाओं की प्रजनन क्षमता का विकास करता है, कैसे महिलाओं की ओवरी को मजबूत करता है। KRS का सुपर ग्रीन अगला जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें व्हीट ग्रास, ड्राई मैंगो लीव्स, जामुन की पत्तियां हैं, गुआवा की पत्तियां हैं, जो आपके मोटापे को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है आम की और अमरुद की, यह मोटापे को नियंत्रित करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, आपके बॉडी में HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बढ़ाते हैं, और LDL कोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को उत्पन्न करता है उसको कम करता है, और आपके पैनक्रियाज और लीवर के फंक्शन को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रभावी प्रोडक्ट आप यूज करें, और अपने सारे जो टीम मेंबर्स की समस्याएं हैं या फिर जिनकी भी समस्या है उसका हम यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की प्रेजेंटेशन है, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एक अच्छी जानकारी मिली होगी और कुछ नया सीखा है आपने आज। तो ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर इसको अभी कट करता हूँ, और साथ में अभी हम एक दूसरे से बात करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी कुछ और सवाल हैं, उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा मैं।